हमें अपनी पॉलिसी और परफॉर्मेंस और सामान्य मानवीय का जीवन बेहतर करना है, उसमें जरा भी विलंब नहीं करना है। साथियों, विकास की सारी तैयारियां रोडमैप लेकर को हम चलेंगे ही, चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम नए नए सांसद आए हैं, कुछ पुराने सांसद हैं, कुछ ज्यादा अनुभवी सांसद भी हैं। आप देखते हैं कि इन दिनों, पिछले दो दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है मंत्री में, आपका नंबर कर सकता हूं, आया। हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा, तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद, आप तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दें। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी क्या, भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बद इरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। साथियों, विकसित भारत का संकल्प लेकर के हम चले हैं। 3 नंबर की इकोनॉमी पहुंचना मैं जानता हूं, निश्चित रोड मैप के साथ उसको हम पार करने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल पल देश के नाम है, मेरा पल पल आप लोगों के नाम है, मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार, आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ 1 लाइफ 1 मिशन, और वो है
मेरी भारत माता, ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को हजार साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में, मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा, ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता हूं। उसका मन लालायित होना चाहिए हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए, मैं देश को इस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। और साथियों मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ आपका सहयोग आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावनाएं लेकर के आया है। लोकसभा का ये गठन उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।